सब्सक्राइब कीजिए योगा साथी चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए डिफरेंट डिफरेंट आसन सबसे पहले सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल योगा साथी पे। आज हम सीखने वाले हैं धनुरासन को और जानेंगे कि बिगनर्स इसकी प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस प्रैक्टिशनर किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके इसको एडवांस पोर्शन तक ले जा सकते हैं। धनुरासन की प्रैक्टिस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि धनुरासन दो तरीके से होता है, एक होता है सिंपल धनुरासन और एक होता है पूर्ण धनुरासन और एडवांस धनुरासन। सिंपल धनुरासन खासतौर पर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है और एडवांस धनुरासन करने के लिए थोड़ी शोल्डर्स की ओपनिंग होनी जरूरी है ताकि इसको एडवांस लेवल तक खींच सके। तो इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है इसके लिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के लिए सिंपल धनुरासन। बिगिनर्स किस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने सिंपल धनुरासन को सुधार सकते हैं, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथ को पीछे की तरफ लेके आके एंकल से पकड़ के अपने धनुरासन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आप चेस्ट वाले पोर्शन और घुटने वाले पोर्शन को ऊपर ना उठा पाओ, तो आपके इसके लिए क्या करना है, सिंगल सिंगल हाथ से एक हाथ को छोड़ के चेस्ट के आगे होल्ड करके रखना है और एक हाथ से ऊपर की तरफ खींचना है। जितना हो सके ऊपर की तरफ फोर्स लगाते जाओ। जितना फोर्स लगाओगे इससे होगा कि आपके शोल्डर्स खुलेंगे और थाई मसल्स खींचेंगे, ताकि जब आप दोनों हाथों से करोगे तो ऊपर की तरफ खींचने में आपको हेल्प मिलेगी। एक हाथ से खींचने के बाद सेकंड होल्डिंग, फिर इसको छोड़ेंगे वापस, फिर इसको आगे लेके जाएंगे, फिर दूसरे हाथ से सेम प्रैक्टिस, यस इस तरीके से ऊपर खींचेंगे। 8 से 10 बार आप डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। डेली इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वापस फिर दोनों हाथों से एक साथ, दोनों हाथों से दोनों पैरों को एक साथ खींचेंगे और मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ा उठा पाएं, जितना भी उठा पाएं उतने पे ही होल्डिंग कीजिए। धीरे 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 आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो उस पर धीरे धीरे इस तरीके से देखिए एडवांस पोर्शन तक इस तरीके से आप खींच पाओगे। आगे से चेस्ट को भी ऊपर और ठोड़ी को भी ऊपर और पीछे से भी घुटने मैक्सिमम ऊपर, जितना उसको ऊपर उठा सकते हो इस तरीके से। तो इस तरह की प्रैक्टिस करके आप बिगिनर्स इस आसन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल धनुरासन की प्रैक्टिस के बाद चलते हैं पूर्ण धनुरासन की प्रैक्टिस की तरफ। पूर्ण धनुरासन करने के लिए मैं आपको 3 तरह की प्रैक्टिस बताऊंगा। ये 3 तरह की प्रैक्टिस करने से आप पूर्ण धनुरासन को एक एक्यूरेट और एडवांस पोर्शन तक लेके जा सकते हैं। तो पूर्ण धनुरासन के लिए पहली प्रैक्टिस में हमें शोल्डर को रोटेट करना सीखना है। सबसे पहले शोल्डर को रोटेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से लेटने के बाद अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे। कुछ इस तरीके से राइट लेग को पकड़ने के बाद अपने घुटनों को ऊपर उठाते समय कोहनी को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे इस तरीके से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हमें इस तरीके से एक बार इस तरफ रोटेट करना है, एक बार इस तरफ, मतलब एक बार लेफ्ट साइड में लेके जाना है और एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में लेके जाना है, एक बार राइट। 8 से 10 बार इस हाथ से रोटेट करने के बाद इसको रेस्ट देना है। फिर दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे इस तरीके से, देखिए हाँ। फिर घुटने को ऊपर उठाते रहेंगे, कोहनी को फोल्ड करते हुए कोहनी को धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे, और उसके बाद सेम उस टाइम की जैसे रोटेट करके हमने प्रैक्टिस करी थी वही रोटेट, एक बार राइट की तरफ एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ रोटेट करना है, एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार फिर राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। ये हमें फर्स्ट प्रैक्टिस में करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस में इस तरह से रोटेट करेंगे, हमारे शोल्डर ओपन होंगे तो हमें धनुरासन को ऊपर खींचने में मदद मिलेगी। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस में हम बैक बेंडिंग की इंप्रूवमेंट के लिए शोल्डर रोटेशन के बाद बैक बेंडिंग की इंप्रूवमेंट इस तरीके से करें ताकि हम ऊपर तक खींच पाए। इसके लिए हमें दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे, उसके बाद दोनों हाथों से एक साथ घुटनों को ऊपर उठाते समय कोहनी को नीचे की तरफ फोल्ड करके उसके बाद रोटेट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए। इस तरह से रोटेट करने के बाद एक बार ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। जब हम ऊपर नीचे खींचेंगे, ऊपर खींचते समय मैक्सिमम ऊपर खींच रहा है, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखते हैं बिल्कुल मैक्सिमम ऊपर, और जब नीचे लेके आएंगे तो कोशिश करना एडी को कानों तक खींचने की प्रैक्टिस इस तरीके से। फिर ऊपर की तरफ खींचो, फिर नीचे की तरफ, यस इस तरीके से देखो। फिर ऊपर की तरफ खींचते समय हमें ध्यान ये रखना है कि अपने चेस्ट वाले पोर्शन को भी देखो कुछ इस तरीके से, ये इस आप ऊपर खींचो, हाँ इस तरीके से शाबाश। अब जब नीचे की तरफ लेके आएंगे तो कानों के पास एडी को लेके जाएंगे, यस। दूसरी प्रैक्टिस में इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद हमें दूसरी प्रैक्टिस से होगा ये कि आपकी बैक बेंडिंग में इंप्रूवमेंट होगी, बैक बेंडिंग की रोलिंग होगी, बैक बेंडिंग की इंप्रूवमेंट जितनी होगी हम हाथों को उतनी ऊपर खींच पाएंगे और धनु पैरों और जो कंधों के बीच का गैप होगा वो कम कर पाएंगे और घुटनों को सीधा कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको तीसरी प्रैक्टिस साइड से लेके इस तरीके से देखिए, साइड से लेटने के बाद दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, पैरों को पकड़ो, गुड, हाँ
पैरों को पकड़ने, इस बार हमें मैक्सिमम स्ट्रेचअप करना है, जितना आप कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्ट्रेचअप करो, पूरा जोर लगा के पकड़ के मैक्सिमम, कोहनियों को सीधा रखना है इस तरीके से, देखो बिल्कुल सीधा ऊपर, बिल्कुल मैक्सिमम, ये बिल्कुल इस तरीके से मैक्सिमम ऊपर खींचे होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, 10, 9, 8, मन मन पे आप काउंट कर सकते हो, और मैक्सिमम ऊपर खींच के होल्डिंग करो, देखो इस तरीके पूरा आप जितना ऊपर ऊपर खींचोगे घुटने ऊपर सीधे, घुटने सीधे होते हैं, घुटने सीधे करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, देखो जितना आप ऊपर खींचोगे उतने घुटने सीधे होंगे, जितना आप ऊपर कोहनियां भी सीधे होंगे और हाथ भी, तो मैक्सिमम लेवल तक खींचेंगे तो इस तरीके से आप धनुरासन को एडवांस पोजीशन तक लेके जा सकते हैं। अब सिंपल धनुरासन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, और एडवांस प्रैक्टिशनर किस तरीके से वो 3 प्रैक्टिस करने के बाद अपने धनुरासन को एक एडवांस और एक्यूरेट ढंग से कर सकते हैं। धनुरासन करने के अन्य शारीरिक फायदे भी हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट अगर धनुरासन करेंगे तो उनके लिए एक लाभदायक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए लाभदायक है, या फिर पेट के बढ़े हुए फैट को रिलीज उसको कम करने के लिए भी धनुरासन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। धनुरासन करने के लिए कुछ सावधानियाँ भी बरतनी जरूरी है, जैसे हर्निया के पेशेंट को, या फिर जिनका पेट में ऑपरेशन हो रखा हो, या फिर जिनके पथरी हो, उनको ये धनुरासन करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड कैसे लगे ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट में उस आसन का नाम भी बताएं जो आसन आप सीखना चाहते हैं, और आपसे हो नहीं रहा तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि उस आसन की प्रैक्टिस को इजी से इजी वे में आपको बताएं, ताकि उस आसन को आप बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो फ्रेंड्स जल्दी लौटूंगा एक नया आसन, उत्थित एक पादसिकन और एक पादसिकन जिसमें पैरों को सिर के ऊपर रख कर करने वाले आसन है, उसको बताऊंगा कि उसको कैसे कर सकते हैं और इसको आपको शरीर में किस तरह की इम्प्रूवमेंट आएंगी, क्या आपको लाभ मिलेंगे उस आसन के करने से, ये सब आप उस वाले वीडियो में जरूर देखें। धन्यवाद।